ये गैस लीकेज होना बहुत ही रिस्की होते हैं, आप लोग ये गलती ना करें, गैस फटने की डर होती है। सो हाय गैस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और काम में व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो अभी फिलहाल सुबह का बज रहे हैं 8:30, मैं हो गया हूँ रेडी नाश्ता पानी करके, क्योंकि पप्पू लोग बना दिया था नाश्ता वगैरह। तो अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ उमेश की तरफ। उमेश में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके चूल्हा में आ रहे थे करेंट, तो उन्होंने मेरा नंबर कहीं से मिला होगा उनको, तो उनको फ़ोन किया था उन्होंने मेरे को कि बेटा चूल्हे में आ रहा करेंट, आ करके देख लो। मैं बोला बिल्कुल देखूंगा, पर कल ही उन्होंने बुलाया था तो कल तो नहीं जा पाए हम, तो आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि 9 बजे वो निकल जाते हैं। तो अब चलते हैं फिलहाल वहाँ और देखते हैं। सो फाइनली मैंने घूमते घूमते कस्टमर के यहाँ पहुँच गया। 10-15 मिनट बाद वहाँ पे चेक करने लगा चूल्हा, चूल्हा चेक करते के साथ मुझे करेंट मारा। सुबह सुबह मेरा मियाज गया बंद, फिर मैंने चूल्हा को कर दिया खोलना स्टार्ट। अब खोलते के साथ साथ में साइड में पेपर लगा दिया मैंने कि बाहर में गंदा ना फैले। उसके बाद स्प्रे भी मार दिया, रिपेयरिंग वगैरह जो भी था ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने मैडम को बुलाया, मैं बोला कि देख लो मैम आपकी चूल्हा हो गए ओके, अब मुझे पेमेंट करो, मुझे कहीं और जाना है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, करेंट वगैरह भी नहीं। फिर पेमेंट लिया, मैं कहीं और निकल गया चूल्हे के लिए जाना था, वहाँ भी कंप्लेंट था, वहाँ गया। उसके बाद 5 बर्नल का वहाँ पे चूल्हा था, उनका कहना था कि भैया इसमें अंदर से आवाज़ आ रही है बहुत, मतलब भट भट सी कर रही है। मैंने बोला गैस लीकेज है, बोला ऐसे कैसे, मैं बोला दिखाता हूँ। फिर मैंने चूल्हा खोलना कर दिया स्टार्ट। चूल्हा खोलना स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि सर माचिस लाओ। बोला माचिस क्या करोगे, मैं बोला लाओ तो दिखाता हूँ। फिर माचिस दिया उन्होंने, मैंने मेन पाइप में डायरेक्ट आग धरा दिया। आग धराने के बाद मैं बोला देखो यहाँ से गैस लीकेज है और इस वजह से गैस जमा हो जा रहे थे तो आवाज़ कर रहे थे अंदर। वो अच्छा हुआ था ग्लास नहीं फूटा उनका, नहीं तो बहुत रिक्सी था ये। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया चूल्हा में फटाफट, फिर काम निपटाया इसका। उसके बाद कस्टमर को मैंने बुलाया कि मैं बोला कि देख लो अब सब बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका चूल्हा, कहीं से कोई लीकेज नहीं, कोई आवाज़ नहीं। बड़ा वाला हालांकि थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, पर उसको भी बाद में सही कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं चूल्हा एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। मेरा काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ मैं, काम ओके है। तो फिलहाल अभी आ गया दूसरे कॉल पे और यहाँ पे ग्लास खोल के देखा, कस्टमर का कंप्लेन था कि इसका फ्लैप खोलने पर आवाज़ कर रहा था। मैंने बोला ये मोटर ख़राब है, डीसी मोटर। फिर बोले एक बार दोबारा से लगा करके दिखाओ, मैंने दोबारा वैसे ही फिट किया। उसके बाद चला करके दिखाया, आप लोग देख सकते हैं कि साइड में ऑयल भी बहुत ज़्यादा है इसके, तो ऑयल अगर चला गया डीसी मोटर में ना तो वो आवाज़ करेगा ही करेगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसको फ़िलहाल बंद करते हैं और इसका मोटर चेंज करने का उपाय करते हैं। तो अभी मैंने पूरा खोल दिया है, देखो अंदर से कितना गंदा है। इतना गंदा हो तो जाहिर सी बात है ख़राब होगा ही, चूल्हा भी साथ में कर रहा हूँ मैं। देखो फिल्टर, फिर मोटर को मैंने नीचे उतार लिया था, ये वाली मोटर था उसको मैंने चेंज कर दिया बिल्कुल। उसके बाद अब फिट करता हूँ और उसके बाद आप लोग देखिए कि कितनी क्लीन लग रही है चिमनी। बहुत ज़्यादा ही गंदी थी तो मैंने इनको बता दिया था, इनको पता नहीं था सर्विस का, तो मैंने बताया 6 महीने पे सर्विस होते हैं, बोले ठीक है अब 6 महीने पे करा लिया। तो फाइनली आज का मेरा काम हो गया सारा कंप्लीट, अब चल रहा हूँ अपने रूम की तरफ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा तो आगे शेयर करना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलता हूँ इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।